वेलकम टू द स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लास। मैं रेखा देवी महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च रंगपुर मुलानिया से। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास टेंथ के सोशल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हमने सब सब्जेक्ट लिया था इसका ज्योग्राफी। तो इस ज्योग्राफी के अंदर आज हम लोग बात करेंगे वाटर सोर्सेज की, यानी कि जल संसाधन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल के समय में जल की बहुत बड़ी समस्या है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जल जो है वो पूरा नहीं हो पाता, और जल की कमी से बड़ी सारी फसलें जो हैं वो आमतौर पर खराब हो जाती हैं, क्योंकि फसलों के लिए वर्षा का जो जल है वो बड़ा ही ज़रूरी है। परंतु विज्ञान की सहायता से कुछ आर्टिफिशियल इरिगेशन सोर्सेस से फसल का जो नुकसान है वो होने से बच जाता है। तो आज हम लोग जल संसाधन के बारे में बात करेंगे कि जल संसाधन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से इसको सेव किया जाए। कौन कौन से ऐसे इलाके जहाँ पर जल की अत्यधिक कमी है और वहाँ पे जल को पूरा करने के लिए क्या क्या प्लान किए गए हैं या पर किन चीज़ों की हेल्प ली जाती है। तो आज हम इसका पहला प्रश्न जो है करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों का MCQ, तो इसमें MCQ में यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से आप लोगों ने टिक करना है एक को। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासिफाई ईच ऑफ इट्स सिचुएशन और इज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। कहते नीचे जो आपको कुछ सिचुएशंस दी गई हैं उसके आधार पर बताइए कि क्या चीज़ जो है वो पानी की कमी होने से प्रभावित होगी या नहीं होगी। तो कहते रीजन विद हाई अमाउंट रेनफॉल। रीजन विद हाई अमाउंट रेनफॉल यानी कि जहाँ पर सबसे अधिक बारिश होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बाढ़ आने का नुकसान, बाढ़ आने का जो खतरा है वो हमेशा रहता है। नेक्स्ट है रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पोल्यूटेड। कहते ऐसे इलाके जहाँ पर जल जो है एनुअल जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन पानी जो है वो पोल्यूटेड है। कहने का मतलब कि पानी तो है लेकिन वो गंदा है। तो कहते वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी यानी कि वहाँ पे पानी की कमी जो है उससे लोग प्रभावित होंगे। नेक्स्ट है रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन। कहते जहाँ पे पानी कम होगा और जनसंख्या भी कम होगी वहाँ पे क्या होगा, कहते वहाँ पर सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी वहाँ पर भी लोग जो हैं वो पानी से प्रभावित होंगे। नेक्स्ट आ गया रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन। कहते ऐसे इलाके जहाँ पर बारिश कम होगी और पॉपुलेशन भी कम होगी वहाँ पर लोग पानी की कमी से लोग प्रभावित होंगे। नेक्स्ट आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्गुमेंटिंग इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। कहते नीचे कुछ प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आप बताइए कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में नहीं हैं। जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज वी सफर फ्रॉम मेट वाटर स्कैर्सिटी। कहते बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू सेंटर फ्लड। कहते बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या करती हैं, जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लेवलीहुड। कहते बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बहुत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है।
यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और लोगों की जीविका कमाने के सोर्सेस खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अवर इंडस्ट्रीज एंड अवर होम। कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या करती हैं, हमारी उद्योग और घरों के लिए बिजली पैदा करती हैं। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इसके लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है उसके फेवर में नहीं है? तो कहते हैं यहाँ पे है आंसर इसका, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। यानी कि ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजती और ना ही लोगों की जीविका में किसी तरीके का कोई बिघन डालती है। नेक्स्ट है, हेयर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड यू राइट देम करेक्टली। कहते यहाँ पे कुछ गलत स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनको पहचानिए और उनको दोबारा से ही सही करके लिखिए। जैसे मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफ स्टाइल हैव हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। कहते हैं मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स, ये जो मल्टीपल शहरी क्षेत्र हैं विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन, यानी कि जहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है और अर्बन लाइफस्टाइल जो है वो हेल्प करता है प्रॉपर तरीके से पानी के संसाधनों को या यूं कि जल संसाधनों को इस्तेमाल करने में। क्या ये बात सही है या गलत है? तो यहाँ पे अगर कुछ गलत है तो उसको आपने ठीक करना है। कहते हैं मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन विद अर्बन लाइफस्टाइल हैव एडेड टू द वाटर एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड दस कॉज्ड द ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। कहते हैं अगर पॉपुलेशन अधिक होगी चाहे वो शहरों की हो तो कहते हैं वहां पे क्या होगा, और उस वहां पर पानी जो है वो काफी मात्रा में इस्तेमाल होगा और वहां पे ऊर्जा के जो साधन हैं वो भी ज्यादा इस्तेमाल होंगे, जिससे कि पानी की जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर डज नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट्स। कहते रेगुलेटिंग और डैमिंग ऑफ रिवर्स, यानी कि रिवर्स के जल को रोकना और उसके ऊपर डैम बनाना। कहते ये इफेक्ट करता है रिवर्स के, यानी कि नदियों के जो नेचुरल बहाव है, प्राकृतिक तौर पर उनका जो बहाव होता है उसको, और उनका जो सेडिमेंट फ्लो होता है, क्या उसको ये प्रभावित करता है? कहते रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द डैम। कहते जब रिवर्स के पानी को रोका जाता है तो नेचुरली उसकी जो बहाव है वो उसको प्रभावित वो प्रभावित होता है और उसका जो सेडिमेंट्स होता है वो बांध के निचली सतह में जम जाता है। नेक्स्ट है, इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स एग्रीटेटेड ओवर हायर प्रियोरिटी वॉज गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट। कहते गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक पानी की पूर्ति को पूरा करने पर भी किसान नहीं भड़के। कहते अगर मतलब गुजरात में साबरमती बेसिन जो था सूखे के दौरान जब शहरी क्षेत्रों के लिए पानी को पूरा करना था तो वहां के जो किसान थे वो इस चीज को लेकर नहीं भड़के। कहते इन गुजरात द साबरमती फार्मर्स एग्रीटेड ओवर हायर प्रायोरिटी वाज गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट। कहते गुजरात के जो लोग थे वो इस चीज को लेकर नहीं बढ़के, क्यों नहीं बढ़के? क्योंकि उन वो कहते गुजरात के लोग इस चीज को लेकर भड़क गए थे कि शहरों के लिए पानी को पूरा करने के लिए उनका जो जल संसाधन है वो इस्तेमाल किया जा रहा है।
नेक्स्ट है टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी डिस्पाइट हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू राजस्थान कैनल। कहते आज राजस्थान में जो शत वर्ष जल संग्रहण है वो अत्यधिक लोकप्रिय है। क्यों? क्योंकि वहां पर इंदिरा गांधी नहर जो है वो उपलब्ध है। कहते आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के उपलब्ध पेयजल के बावजूद लोग क्या कर रहे हैं, शत वर्षा जल संग्रहण को अधिक लोकप्रिय बना रहे हैं। क्या ये बात सही है? कहते टुडे राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन द डिक्लाइन एज प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू द पेरिनियल राजस्थान कैनल। कहते टूटे राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन द डिक्लाइन। कहते ये जो शत जल संग्रहण की विधि है ये आजकल कम होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर बारहमासी नहर जो है वो चलती है, जिसके चलते हुए अब वहाँ पे पानी की कमी नहीं है। तो इसलिए अब ये जो पहले संसाधन इस्तेमाल किया जाता था शत पर जल को इकट्ठा करके इस्तेमाल करना, अब वहाँ पे कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम अ रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कहते एक्सप्लेन करिए कि पानी जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। कैसे रिन्यूएबल? यानी कि जिसको हम दोबारा से नया बना सकते हैं, जिसको दोबारा से तैयार किया जा सकता है। कहते वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेस एज इट इज रिन्यूड बाय वाटर साइकिल इटसेल्फ। कहते पानी को दोबारा से नया बनाया जा सकता है। कैसे? कहते वो किया जा सकता है वाटर साइकिल से। वेयर देयर प्रोसेसेस टेक प्लेस एज इवेपोरेशन कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन एंड दिस प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल इज नेवर एंडिंग हैंस वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कहते अगर हम ऐसे प्रोसेसेस जैसे कि इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, इस तरीके के तरीकों को हम अपनाएंगे जो कि वाटर साइकिल में एक हेल्प करते हैं, तो इस तरीके से पानी की जो कमी है वो कभी नहीं आएगी और पानी जो है वो वापस रिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज वाटर स्कर्सिटी एंड व्हाट आर इट्स कॉजेस। कहते जल की कमी क्या है और इसके कारण क्या है। वाटर स्कर्सिटी और वाटर स्ट्रेस अकर्स वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज नॉट इनफ टू मैच द डिमांड फॉर वाटर। कहते पानी की कमी क्या होती है, पानी की कमी होती है कि जितनी ज़रूरत है उतना पानी अगर ना मिले तो इसका मतलब वहाँ पे वाटर स्कर्सिटी यानी कि पानी की कमी है। इट इज़ कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोइंग डिमांड फॉर वाटर अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टेज इनजुडिशियस यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। कहते ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि एक तो वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और ऊपर से पानी की डिमांड बढ़ जाती है, फिर एक शहरी विकास हो जाता है, औद्योगिकरण के कारण ये चीज़ें होती हैं। अगर हम पानी को वेस्ट करेंगे तो भी इन सारी चीज़ों से पानी की कमी जो है वो आती है, ये कारण है जिसकी वजह से वाटर स्कर्सिटी होती है।